जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चुनू जी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए टू जेड आओ सीखे में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी इसी प्रकार के वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पास अगर इस टाइप का राउटर है उसको हम कैसे सेट करेंगे और ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास जो है वो ये पहले से है, मेरे पास जियो का राउटर है हॉटस्पॉट, तो इसको हम इससे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो होता क्या है कि अब ये हम कब यूज करते हैं कि अगर हम अपने घर में इसको रखते हैं तो इसका नेटवर्क थोड़ा सा कम होता है, इसका रेंज कम होने के कारण ये नेटवर्क बहुत कम पकड़ पाता है। तो उसके लिए क्या होता है, नेट को हम बूस्ट करना चाह रहे हैं, स्पीड करना चाह रहे हैं अपने नेट स्पीड को, तो हम क्या करेंगे कि इसको इसको ऑन करके कहीं छत पे या कोई ऐसे जगह पर रख देना है जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता है। उसके बाद इस राउटर को आप अपने घर में लगा सकते हैं, ठीक है। राउटर को घर में लगाने के बाद आप इससे इसको कनेक्ट करके और अपने जियो राउटर हो या फिर आपके पास जो एयरटेल का रहेगा उसका आप इससे स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं और आपका नेट अच्छा चलेगा। तो आज इसका ही बारे में हम बताने वाले हैं कि इसको हम कैसे सेट करेंगे और इस जियो राउटर को हम इससे कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसका हम आज बताते हैं आप लोगों को। तब सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जब भी ये राउटर लेंगे इस टाइप का कोई भी, ये मेरे पास टीपी लिंक का है, तो आपके पास जो भी राउटर होगा उसको सबसे पहले लाइट में इसको कनेक्ट करने के बाद इसका जो लाइट जल रहा है तो सबसे पहले इसके बैक में जो देख रहे होंगे बटन, ये ब्लैक वाला, इस ब्लैक वाले बटन को क्या करना है, पुश कर देना है, पुश करके रखना है। पुश करके रखने के बाद ये जो तीन लाइट है ये एक साथ चलेगा, तो ये रीस्टार्ट करना है। कोई भी आप जब लेंगे तो आपको ये रीस्टार्ट कर ही देना है। चलिए ये लाइट ऑफ हो गया, अब ये ऑन होगा, ये हो चुका है, अब ये रीस्टार्ट हो चुका है। अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसका हम अब गेटवे कैसे हम गेटवे जाएंगे वो हम सारा कुछ बता देते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं पहले अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो वाईफाई का होता है सिग्नल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी होगा टीपी लिंक का है तो टीपी लिंक से कनेक्ट कर लेना है इसको। तो जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको कि यहाँ पे होता है पासवर्ड इसका, इस सामने में, सॉरी सॉरी, तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि यहाँ पे पासवर्ड है इसका, ठीक है। तो इस पासवर्ड से अब हम कनेक्ट कर लेते हैं, वाईफाई खोल लेते हैं और यहाँ पे टीपी लिंक का, तो इसमें पासवर्ड डाल चुके हैं, देख लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसका गेटवे पे जाना होता है और इसके बाद टीपी लिंक का जो होम पेज होगा या जहाँ से हम इसका सेटिंग करेंगे वो हम खोलेंगे। तो ये कनेक्ट हो चुका है लेकिन अभी नो इंटरनेट एक्सेस कह रहा है, तो इस पर कर लेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, आने के बाद यहाँ पे अब आपको यहाँ से डिटेल्स में जाएंगे, इस जगह पे डिटेल्स लिखा हुआ है, डिटेल्स में जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे है IPv4 डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो आपको ये गेटवे जो है ये गेटवे लिख लेना है कहीं पे। और उसके बाद आपके पास जो भी ब्राउज़र हो, क्रोम ब्राउज़र हो या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे कोई भी, आप उसको खोल लेंगे उस पर और उसके सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना होगा जो आपका ये गेटवे है। तो इसका गेटवे जो भी है 192.168.0.1 ये आपको टाइप करना होगा इसके यूआरएल में। तो देख लेते हैं 192.168.1.0.1। जैसे ही आप टाइप करके एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद नेट से जो भी डिवाइस या जिस टाइप का टीपी लिंक है आपका, टीपी लिंक है या फिर और भी है, तो वो कनेक्ट होता है। फिर से एक बार कर लेते हैं
192। देखिए खुल गया, इसको एंटर कर लेते हैं। देखिए ये खुल गया। अब यहाँ पे पासवर्ड बोल रहा है रीसेट करने के लिए, जो भी पासवर्ड आपका सेट करने के लिए बोल रहा है, तो आपके पास जो भी पासवर्ड आप खुद से बनाएंगे वो सेव कर लेंगे इसमें। पासवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड में हम एस, आप यहाँ से विजुअल कर लीजिए कि दिखाई पड़े। उसके बाद एट द रेट का यूज कर लीजिए, उसको 123 कर दीजिए। सेम पासवर्ड नीचे भी रख लीजिए। जिस टाइप का आप बनाना चाह रहे हैं अपने नाम के अनुसार बना लीजिए, या फिर जैसे ही इसको सेट करेंगे, ठीक है, अब चाहे तो इसको सेव कर लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, नेवर कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको टाइम जोन सेट करना होता है, तो इंडिया से हैं हम, तो इंडिया से यहाँ पे आएगा यहाँ 5:30 का आएगा हम लोगों का। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं कहाँ है ये। चलिए यहाँ पे आ गया। जीएमटी जो है हम लोगों का है 5:30। यहाँ पे आ गया कोलकाता मुंबई दिल्ली, तो इस पर ही आपको क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्किप कर लीजिए, फिर से नेक्स्ट कर लेंगे, फिर से नेक्स्ट कर लेंगे। अब इंटरनेट जो है वो चेक किया जा रहा है, तो मुझे तो इससे कनेक्ट करना है, जियो से कनेक्ट करना है इस डिवाइस से, तो इसको हम कैसे कनेक्ट कर लेंगे। चलिए नो इंटरनेट कनेक्शन। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे सेटिंग जो यहाँ पे दिख रहा है आपको एडवांस पे, उस पर आने के बाद आपको सेकेंड वाला ये रेंज एक्सटेंडर मोड जो है यहाँ पे आपको करना होगा क्लिक, और इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे सेव, इस जगह पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपका जो है जो राउटर है, ये राउटर जो है ये रिबूट हो जाएगा खुद से। यहाँ पे जो लाइट जल रहा है अभी, ये अपने आप ये रिबूट हो जाएगा। रिबूट मतलब ऑफ होके ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो भी हम दिखा देते हैं आपको। तो चलिए हम रिबूट कर लिए यहाँ पे। अब ये देखिए ऑफ हो गया है, अब ये ऑन हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसको नेक्स्ट कर रहे हैं, क्या क्या है। तो चलते हैं, इसको सेव कर लिए हैं, रिबूट कर चुके हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको क्विक सेटअप का, उसके बाद क्विक सेटअप पे जाने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास ये ऑटोमेटिक सर्च आता है, और आपके पास जो जियो का है ये इसका नेटवर्क आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो आपका इसका पासवर्ड है। तो जियो राउटर का जो पासवर्ड होता है उसके बैक साइड पे लिखा होता है, उसका बैक ढक्कन खोल लेते हैं।
उसके बाद फिर से इसका बैटरी को हम कनेक्ट कर लेते हैं, इसमें सेट कर लिए हैं, उसको फिर से अब ऑन कर लेंगे, पुश करके ऑन कर लिया। तो लाइट हो गया है, ऑन हो गया है। अब ये भी रेड वाला जल रहा है यहाँ पे, तो ये जैसे ही ब्लू या ग्रीन होता है तो इसमें नेट आ जाएगा, नेटवर्क। तो उसके बाद हमको क्या करना है, इसका पासवर्ड से ऑन कर लेना है। चलिए ब्लू हो चुका है तो हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट कर लेंगे। जो भी ऑप्शन आएगा उसको नेक्स्ट सेव करते जाएंगे, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे अभी जो कोना में दिख रहा है इस सामने में, अभी लिख रहा है नो इंटरनेट एक्सेस। यहाँ पे आपका जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये हट जाएगा, यहाँ से नो इंटरनेट एक्सेस हट जाएगा। और देखिए ये अप्लाइंग सेटिंग प्लीज वेट, यहाँ पे चल रहा है सेटिंग और इसका प्रोसेस चल रहा है, तो वेट कर लेते थोड़ा सा। और रिबूट हो चुका है राउटर का, रिबूट हो चुका है ओके करके फिनिश कर दीजिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे नेटवर्क नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से हम सर्च कर लेंगे टीपी लिंक, ये टीपी लिंक वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले टीपी लिंक दिख रहा था, अब ये क्या हो रहा है कि जियो से कनेक्ट हुआ है इससे, तो इसका नाम ले लिया है। लेकिन है क्या कि हम कैसे पता चलेगा, तो ये जो है ऊपर वाला ये आपका ये जियो का है, और जो नीचे है जो जिसके लास्ट में EXT लिखा हुआ है वो आपका ये राउटर का नेम हो गया। जो टीपी लिंक था इसका नाम जो है अब, तो अब इसमें पासवर्ड जो बनाए थे वो फर्स्ट टाइम जैसे ही रिबूट करने के बाद जो सबसे वीडियो के पास फर्स्ट टाइम ही आप देखे थे कि उसमें कौन सा पासवर्ड है, वही आपको डालना है जो सेट किया गया था। तो जो डाले थे हम वो डाल देते हैं, उसके बाद ऐट द रेट 123, उसके बाद हम ओके कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे में कनेक्ट हो रहा है,